दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये एम्ब्रॉयडरी मशीन का बॉबिन विंडर है, ये भी जो बॉबिन है ये आपको दिखाते हैं। इसमें ये मशीन धागा लपेटती है, धागा को इसे यहाँ से लगा के इसमें लपेटती है, तो ये वर्क नहीं कर रही है, चल नहीं रही है, तो इसी को ठीक करके आपको दिखाने वाले हैं। तो जो इसकी स्विच है यही ख़राब हो गई है, यहाँ जो ऑन ऑफ की स्विच लगी होती है दोस्तों, इसके कारण ये मशीन चल नहीं रही है। तो इसी को हम चेंज करके और लगा के आपको दिखाएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी स्विच यहाँ से निकाल लेंगे नई वाली और इसको लगा के आपको दिखाएंगे। तो ये ओके है और इसकी जो यहाँ पे इसका कार्बन छुड़ा लेंगे ये तीनों खुंटी पर से, और इस पर यहाँ तीनों खुंटी पर यहाँ रंगा लगा देंगे ताकि वायर अच्छी तरह जुड़ जाए, मजबूती से जुड़ जाए। ये हो गया। अब ये पुरानी वाली स्विच का यहाँ से कनेक्शन निकाल लेंगे। तो ये बीच वाले खुंटी का सबसे पहले वायर निकालेंगे, इसको लग यहाँ रख देंगे। अब जब भी आप निकालें तो ध्यान से दें कौन सा वायर कहाँ है, और उसके बाद ये पहली वाली खुंटी का ये वायर निकालेंगे, और इसमें तीन वायर है तो इसको बारी बारी तीनों को जोड़ देंगे ताकि कोई वायर इधर उधर ना हो। और ये लास्ट वाला जो तीसरी खुंटी है ये वायर यहाँ से भी छोड़ा लेंगे, और इस स्विच को यहाँ से निकालेंगे, खींचेंगे, लॉक पर होता है इसको खींच के निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। ये स्विच टूट गई है, इसमें ये नई वाली अब लगा के इसको सेट करेंगे। तो इसको स्विच को यहाँ पे इस घाट में बैठाएंगे, ये बैठ गई, ये ओके हो गई दोस्तों। अब इसको हम वायर को शॉर्ट करेंगे, तो सबसे पहले ये तीसरी वाली खुंटी पर ये पहला वायर जोड़ेंगे, ये हो गया। उसके बाद बीच वाली खुंटी पर ये लाल वाला वायर जोड़ देंगे, ये भी हो गया। और उसके बाद पहली खुंटी पर ये जो मेन पावर गया है, ये तीन वायर है, इसको यहाँ पे सोल्ड कर देंगे, ये हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आपको इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। यहाँ से सीरीज पर इसको पावर देंगे, पावर दे के यहाँ से ऑन करेंगे, ये स्विच यहाँ से ऑन करते हैं तो दोस्तों ये ऑन नहीं हो रही है। तो इसमें अब इसका फ्यूज़ चेक करेंगे, पहले फ्यूज़ चेक कर लें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से फ्यूज़ खोलेंगे, ओह देख रहे हैं दोस्तों ये फ्यूज़ ख़राब हो गया है, ये बिल्कुल काला हो गया है, इसी वजह से नहीं चल रही है। तो इसमें हम नया फ्यूज़ लगाएंगे, ये नया फ्यूज़ इसमें लगा के इसको टाइट करेंगे, और ये टाइट हो गया। अब इसको दोबारा हम पावर देंगे यहाँ से, तो यहाँ से पावर दिए और यहाँ स्विच ऑन कर दिए, बिल्कुल ओके रेडी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्यार से कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।